जब आप मॉर्निंग में ट्रेडिंग करते हैं तो मॉर्निंग में एक मिस्टेक आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है और उस दिन आपका ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। जब आप मॉर्निंग में ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्केट जब ओपन होता है ना तो आपको मन में ये होता है कि भैया अभी ट्रेड ले लेते हैं, नहीं तो फिर मार्केट दोबारा मौका नहीं देगा कमाने के लिए। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, परफेक्ट सेटअप नहीं बनता है। जैसे आपको लगता है ग्रीन कैंडल बना या सेटअप बनता भी नहीं है, आप क्या करते हैं एंट्री ले लेते हैं। अब एंट्री लेने के बाद मार्केट क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या एक ही नीचे गिर के आपका स्टॉप लॉस को क्या करता है, खा जाता है। फिर आपका माइंडसेट वहीं पे क्या है, लूज हो जाता है। फिर आपको ये लगता है कि यार आपका एक ही माइंडसेट होता है कि इस लॉस को आप रिकवर करना है। पहले आप तो कमाने के बारे में सोचे थे, लेकिन जब फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है ना, ट्रेडिंग किया फर्स्ट ही ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है तो आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता है और आपको ट्रेड लेने में भी डर लगेगा, लेकिन फिर भी आप ट्रेड लोगे क्योंकि इस लॉस को रिकवर करना है। और जब आप ट्रेड लेते हो तो जो लॉस को रिकवर करने का जो माइंडसेट रहता है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है। फिर जो दूसरा लॉस हो जाता है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर तीसरा ट्रेड करते हैं, उसमें भी लॉस आपका होता है। ऐसे करते 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 आप मल्टीपल ट्रेड कर लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी हो जाता है और वह दिन आपका हैवी लॉस हो जाता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह में ये गलती कभी ना करें। जब तक आपको सेटअप नहीं बनता है तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आप लोग ये सोचते कि मार्केट में ओपन हुआ है तभी ट्रेड लेना चाहिए, उसके बाद मार्केट मौका नहीं देगा। देखो मार्केट डेली 2 या 3 मौका देता है इसे कमाने के लिए, इसलिए कभी भी आपको जल्दी में ट्रेडिंग नहीं करना है। जब तक आपको सेटअप नहीं बनता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में आप 1:1 ही लीजिए, लेकिन चलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट ट्रेड में कोशिश कीजिए आपका प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है तो आपका माइंडसेट क्या रहता है, पहले से अच्छा रहता है और वहाँ पर आपका साइकोलॉजी अच्छा रहता है। लेकिन जब आपको फर्स्ट ट्रेड ही लॉस हो जाता है तो फिर आप निराश हो जाते हो और आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। फिर आपका एक ही माइंडसेट रहता है कि इस लॉस को रिकवर करना, या तो आपको ट्रेडिंग जब दोबारा ट्रेड करेंगे ना तो आपको डर लगेगा कि यार फिर दोबारा लॉस ना हो जाए। अब तभी आप डरोगे, पहले आप डरोगे कि फिर दोबारा लॉस ना हो, तो 99% चांस रहता है कि आपका दोबारा लॉस हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, कोई जल्दी मत कीजिएगा। देखो मार्केट डेली 2 या 3 मौका देता है कमाने के लिए। अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिला भी लेकिन आपका परफेक्ट सेटअप नहीं मिला तो छोड़ दो, मार्केट फिर भी आपको 1 या 2 मौका और देने वाला है। उस मौका को आपको इंतज़ार करना है। जब तक वो मौका आपको नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड में नहीं करना है, कोई जल्दी मत रखना, क्योंकि इस मार्केट में आप जल्दी एंट्री लेने के बारे में सोचोगे तो मार्केट जल्दी आपको बाहर कर देगा, वो भी लॉस करके। जब भी आप देखना, जब भी आप मॉर्निंग में आपका फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस होता होगा तो वहाँ पर आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता होगा और उसके वजह से आप क्या करते होंगे, दोबारा ट्रेड आप डर के ट्रेड करते होंगे, लेकिन उस ट्रेड में भी आपका लॉस हो जाता होगा। और जब लॉस हो जाता है, 2 ट्रेड में आपका लगातार लॉस हो जाता है, तो एक ही माइंडसेट होता है उस लॉस को रिकवर करना, जिसके चक्कर में आप क्या करेंगे, बार बार ट्रेड करेंगे और पूरा कैपिटल को आप 0 कर लेंगे। इसलिए डेली अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, डेली अपना लॉस को फिक्स कर लो कि भाई हमको कितना डेली लॉस करना है, उतना लॉस होता है सिस्टम को बंद कर दो। अब मॉर्निंग में ये गलती कभी ना करें, जब तक आपका सेटअप परफेक्ट नहीं बनता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। डेली अपना लॉस को फिक्स कर ले, आपका सेटअप के हिसाब से कितना ट्रेड करना, ट्रेड कितना करना ये भी फिक्स कर लो कि 1 ट्रेड करना है या 2 ट्रेड करना है, वो फिक्स कर ले। जैसे आपको और लॉस भी फिक्स कर लो कि एक ट्रेड में मैं इतना लॉस लूँगा, 2 ट्रेड में मैं इतना लॉस लूँगा, अगर इतना लॉस होगा तो मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा। और मॉर्निंग में कभी भी ये गलती ना करें, जल्दी में ट्रेड ना ले। आप ये सोच रहे कि आप मार्केट तो दोबारा मौका ही नहीं देगा, इस माइंडसेट के चक्कर में आप तुरंत एंट्री लेने के बारे में सोचते हो। पेशेंस रखो अपने आप को, जब तक आपको सेटअप नहीं बोलता हो परफेक्ट यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट ट्रेड में अगर SLV हीट हो गया, कम से कम आपको आधा घंटा का वेट करना है, तब एक सही सेटअप का फिर इंतज़ार करो, फिर वो सेटअप बन रहा है तब ट्रेड लो। जैसे जिस दिन आपका 2 SL जा रहा है उस दिन आप गलती से भी तीसरा ट्रेड ना करें, क्योंकि मॉर्निंग में जब किसी बंदा को फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो उसका माइंडसेट 99% ख़राब हो जाता है
और देखिए जब भी वो दूसरा ट्रेड करता है तो हमेशा डर डर के ट्रेड करता है, और प्लस उस लॉस को रिकवर करने का माइंडसेट होता है उसके चक्कर में, उसको 99% चांस रहता है कि लॉस होगा। इसलिए कोशिश करें, या तो जिस दिन आपको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो कोशिश करें कि ट्रेड ना करें, और करना भी चाहते तो आप ये हमेशा याद रखना आपका पर ट्रेड में क्या है, रिस्क है। तो उतना सोच लो कि अगर इतना आज लॉस होगा तो मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही बोलूंगा बार बार कि बिना सेटअप बने मॉर्निंग में ट्रेड ना करें। ये कभी मत सोचना कि आप मेरे को मौका ही नहीं देगा मार्केट कमाने के लिए। मार्केट डेली 2 या 3 मौका देता है कमाने के लिए। अगर मॉर्निंग में एक मौका चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं फोमो ट्रेडिंग नहीं करने का, फिर अगेन नया सेटअप बनने के इंतज़ार करो। जब तक नहीं बनता तब तक आपको ट्रेड नहीं करे, जल्दी में कोई ट्रेड आपको नहीं करना है। ये आपको करोगे जल्दी में नहीं करोगे, सेटअप के इंतज़ार करोगे पैशंस की तरह, फिर आपको ये गलती नहीं होगा। इस वीडियो से क्या सीख मिला मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।